वेलकम बैक अगेन विद प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. दिस इज पार्ट टू ऑफ द लेक्चर एंड टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड थ्री लॉज ऑफ मेंडल एंड द एक्सपेरिमेंट्स दैट वाज कंडक्टेड बाय मेंडल. तो ग्रिगोर जॉन मेंडल, जिसको आज हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, उनका जो बर्थ ईयर है वो 1822 है. और उसके बाद इन 1843 में उन्होंने यहाँ पे एक मोनेस्ट्री को ज्वाइन किया था, उनको प्रिस्ट बना दिया गया था और वो एक टीचर भी रहे. और उसके बाद उन्होंने बॉटनी और फिजिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में उन्होंने स्टडी की और उन्होंने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1856 टू 1863 के बीच में. और 7 साल तक उन्होंने ये किया और अपने रिजल्ट्स को कलेक्ट किया. बट उन्होंने अपने रिजल्ट्स को नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में पहली बार अपने रिजल्ट्स को रीड आउट किया था एक मीटिंग के दौरान. उसके बाद उनका जो वर्क है वो पब्लिश्ड भी हुआ ब्रून नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी की एक प्रोसीडिंग में. फिर उस टाइम पे जब वो उन्होंने अपने रिजल्ट को पब्लिश किया था, उस टाइम पे उनके रिजल्ट का नाम वहाँ पे था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन. बट उसके बाद मेंडल की डेथ हो गई किडनी डिसऑर्डर की वजह से और उनके वर्क को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली. बट उसके बाद उनके वर्क को दोबारा से रीडिस्कवर किया गया ह्यूगो डी वेरेस के थ्रू, कार्ल कोरेंस के थ्रू और डेशनबाक के थ्रू. उनकी फाइंडिंग्स बिल्कुल वैसे ही आई जैसी मेंडल की थी. बट जो मेंडल का लॉ है, जो थ्री लॉज उन्होंने दिए हैं, वो यूनिवर्सल लॉज नहीं है. मतलब वो सारे प्लांट्स पे एप्लीकेबल नहीं होते, वो कुछ प्लांट्स पे एप्लीकेबल होते हैं. और उन्होंने काफ़ी हद तक बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व की हैं जेनेटिक्स में, इसीलिए हम आज उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं. जो मेंडल हैं उन्होंने गार्डन पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइजम सेटिवम. जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो हम जीनस और स्पीसीज नेम लिखते हैं. जीनस में हमारा जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है और स्पीसीज में हमारा जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है. इनको हम इटालिक लैंग्वेज में लिखते हैं, इटालियन में लिखते हैं, ठीक है, इटालिक्स होते हैं. और ये दोनों वर्ड अगर हम इसको हैंड रिटन कर रहे हैं तो ये अंडरलाइन किए जाते हैं. तो मेंडल ने यहाँ पे पी प्लांट को सिलेक्ट किया था जिसका नाम है पाइजम सेटिवम. तो क्या रीज़न रहे कि मेंडल ने यहाँ पे पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया? सबसे पहली बात थी कि प्योर वेराइटी पी की ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं. प्योर वेराइटी क्या होती है? जो होमोजाइगस कंडीशन में होती है, मतलब जो कोई भी ट्रेट दे रही है तो वो हेटरोजाइगस कंडीशन में नहीं, वो होमोजाइगस कंडीशन में दे रही है. मतलब कि वो प्योर यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर दे रही है. मतलब जैसे मैंने बोला कि टोल प्लांट आ रहा है, तो टोल वो हमारा यहाँ पे कैपिटल टी होने की वजह से भी आता है. तो बहुत सारी प्योर वेराइटीज़ पी की गार्डन में ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं. लाइफ साइकिल जो पी प्लांट का वो कुछ ही महीनों का होता है, इसलिए अगर मैं उसको क्रॉस भी करवाऊंगी, अगर उसके हाइब्रिड प्रोजेनी भी प्रोड्यूस करवाऊंगी तो उसके रिजल्ट मेरे को जल्दी से मिल जाएंगे. फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं. बाइसेक्सुअल का मतलब है मेल और फीमेल पार्ट जो हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो दोनों ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो अगर मेरे को सेल्फ पोलिनेशन भी करवाना है तो भी वो ईजिली हो जाएगा, ठीक है. फ्लावर्स कैन बी क्रॉस पोलिनेटेड. क्रॉस पोलिनेटेड के पोलिनेशन के लिए मैं एंथर को कट कर सकती हूँ या फिर मैं स्टिग्मा को, जो ओवेरी का रीजन है, उसको कवर कर सकती हूँ. तो क्रॉस पोलिनेशन भी इजली यहाँ पे हो सकता है. मैनुअली का मतलब है मैं अपने कुछ इफर्ट्स लगा के, बैगिंग करा के, इस इमास्कुलेशन करा के, या फिर उसको कट करके स्टेमन को, मैं उसका क्रॉस पोलिनेशन भी कर सकती हूँ. पी हैज 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स जो हेल्प करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट समझने में जेनेटिकल इनहेरिटेंस की, कि जीन कैसे पास ऑन होते हैं, कैसे वो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट शो करते हैं, कैसे वो डोमिनेंस और रिसेसिव करेक्टर शो करते हैं. यहाँ पे 7 करेक्टर्स हैं जिसके साथ डील किया था मेंडल ने. सीड शेप है, जैसे सीड शेप में डोमिनेंट करेक्टर होता है राउंडनेस और रिसेसिव करेक्टर होता है रिंकल्ड सीड. सीड कलर में येलो डोमिनेंट होता है, ग्रीन हमारा रिसेसिव होता है. सीड कोट कलर में कलर्ड डोमिनेंट होता है, वाइट हमारा रिसेसिव होता है. पोड शेप में इनफ्लेटेड पोड हमारी डोमिनेंट होती है, कॉन्स्ट्रक्टेड पोड हमारी रिसेसिव होती है. पोड कलर में ग्रीन पोड कलर जो होता है, लीफ जो हमारे पास घरों में भी हम पी लेके आते हैं, तो फ्ली जो होती है वो ग्रीन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, तो वो डोमिनेंट करेक्टर है. और येलो होती है तो वो रिसेसिव करेक्टर है. फ्लावर की पोजीशन अगर वो एक्सियल है तो वो डोमिनेंट करेक्टर है, अगर वो टर्मिनल पोजीशन पे है तो वो रिसेसिव है. स्टेम की लेंथ लॉन्ग है तो वो डोमिनेंट है, शॉर्ट है तो वो हमारा रिसेसिव है. तो ये 7 करेक्टर्स थे जो मेंडल ने डील किए और जिनके रिजल्ट उन्होंने वहाँ पर पब्लिश किए. तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस को. मेंडल ने डिफरेंट टाइप के क्रॉस परफॉर्म किए थे,
कभी एक करेक्टर को लेके, कभी दो करेक्टर को लेके, कभी तीन करेक्टर को लेके। अगर उन्होंने एक करेक्टर को लेके किया तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, दो करेक्टर को डील करके किया तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, और तीन करेक्टर को डील करके किया तो उसको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। तो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये क्रॉस होता है जिसमें सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड ऑफ अ करेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड क्या, एक ड्वार्फ है और एक डाल है, ठीक है, तो दोनों क्या होगी, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होगी। करेक्टर क्या है, हाइट, करेक्टर तो सेम है, हाइट है, बट एक टोल है, एक ड्वार्फ है, ठीक है। ऑल द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स यूज बाय मेंडल एंड हिज रिजल्ट हम स्टडी करेंगे इन सब इस वीडियो में, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्रॉस बनाया जाता है दो प्योर प्लांट्स के बीच में, जिसमें एक प्योर प्लांट होता है टोल और एक प्योर प्लांट होता है ड्वार्फ। प्योर क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि दोनों की जो एलील्स हैं या फिर जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे टोलनेस किसकी वजह से की जा रही है, दो कैपिटल एलील की वजह से। यहाँ पे ड्वार्फनेस किसकी वजह से की जा रही है, दो स्मॉल एलील की वजह से। अब इसका जब गैमेट बनता है तो गैमेट में एक ही एलील पास ऑन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे गैमेट के अंदर कैपिटल टी आ गया, यहाँ पे गैमेट के अंदर स्मॉल टी आ गया। जब F1 प्रोजेनी आई तो दोनों गैमेट क्या हुए, फर्टिलाइज हुए, दोनों क्रॉस हुए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आया, ठीक है, जो कि हेटरोजाइगस कंडीशन आ गई और ये क्या आ गया, एक हाइब्रिड बन गया। अब ये हाइब्रिड F1 जनरेशन में आया, तो हाइब्रिड में दो एलील है, एक तो डोमिनेंट एलील है जो कैपिटल टी है और एक रिसेसिव एलील है जो स्मॉल टी है। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट एलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है और टोल प्लांट फॉर्म करती है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया कि जो प्रोजेनी आई, जो F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी आई उसी को अपने ही जैसी प्रोजेनी के साथ क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। मतलब दो हाइब्रिड हेटरोजाइगस प्लांट्स को क्या करा दिया इसने, क्रॉस करा दिया। तो क्रॉस कराया तो यहाँ पे गैमेट के अंदर या तो कैपिटल टी आएगी या स्मॉल टी आएगी, कैपिटल टी आएगी या स्मॉल टी आएगी। जब इनको क्रॉस करवाया तो कैपिटल कैपिटल के साथ क्रॉस करके कैपिटल कैपिटल टी आ गया, स्मॉल और कैपिटल के साथ करके कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। ऐसे ही कैपिटल टी की स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी, इस तरह से आ गई। तो देखो जो हमारा टोल, ये प्योर टोल आ गया, ये प्योर ड्वार्फ आ गया, ठीक है, ये प्योर ड्वार्फ आ गया, प्योर टोल आ गया, और ये क्या आ गई, हेटरोजाइगस कंडीशन आ गई जिसमें वो क्या आया, टोल आया। तो अगर मैं यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो देखूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या देखूँ, फिनोटिपिक रेशियो देखूँ, तो फिनोटिपिक रेशियो में मेरे को क्या दिखेगा, फिनोटिपिक का मतलब होता है मोर्फोलॉजिकल करेक्टर। तो ये भी टोल है, ये भी टोल है, ये भी टोल है, मतलब तीन टोल हैं और एक ड्वार्फ है, तो 3:1 मेरा क्या है, फिनोटिपिक रेशियो। बट अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो की बात करूँ, जीनोटिपिक का मतलब है एलील लेवल पे मैं ये देखूँ कि एलील कैसे अरेंज हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखूँ तो कैपिटल टी एक एलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी दो तरह की एलील्स हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, और दो बार आ रही है तो 1:2, और यहाँ पे स्मॉल टी है मतलब एक ही बार आ रही है, तो 1:2:1 आ गया। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या आया, 1:2:1, बट फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 3:1। तो हमारा जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसमें हमारा फिनोटिपिक रेशियो आएगा 3:1 और हमारा जीनोटिपिक रेशियो आएगा 1:2:1। नेक्स्ट है हमारे पास मेंडल पोस्टुलेट्स जो उन्होंने दिए ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर तीन पोस्टुलेट दिए। फर्स्ट पोस्टुलेट है पोस्टुलेट्स ऑन फैक्टर ऑफ जेनेटिक्स, मतलब कि एक करेक्टर जो है वो जेनेटिकली दो यूनिट फैक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। दो यूनिट फैक्टर मतलब दो एलील्स किसकी, एक जीन की, जो सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं, सेम पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं दो होमोलोगस क्रोमोजोम में। होमोलोगस क्रोमोजोम मतलब पेरेंटल क्रोमोजोम, एक मदर का और एक फादर का, ठीक है। टू यूनिट फैक्टर्स कैन गिव राइज टू 3 types ऑफ कम्बिनेशन। हमने यहाँ पे देखा कि तीन तरह के कम्बिनेशन आ रहे हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास हाइब्रिड आ रहा है, एक ड्वार्फ आ रहा है और एक टोल आ रहा है। तीन तरह के कम्बिनेशन आ रहे हैं अगर दो यूनिट फैक्टर दो अलग अलग टाइप के हों और उनको क्रॉस कराया जाए। जैसे एक में कैपिटल टी दो स्मॉल टी एंड कैपिटल टी वाले, और एक दो सॉरी हमारा एक हमारा स्मॉल टी वाला। दूसरा पोस्टुलेट था उनका डोमिनेंस का एंड रिसेसिवनेस का, क्योंकि जब हाइब्रिड कंडीशन आती है या हेटरोजाइगट आता है तो उसमें एक एलील होती है डोमिनेंट और एक होती है रिसेसिव। तो यहाँ पे हेटरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट जो एलील होती है या जो फैक्टर डोमिनेंट होता है वो अपना करेक्टर शो करके टोल प्लांट कोज करता है और ये अपना करेक्टर शो नहीं कर पाती। बट अगर ये रिसेसिव पोजिशन में होगी ये एलील, तो ये अपने करेक्टर को शो करके कैसा प्लांट फॉर्म कर देगी, ड्वार्फ प्लांट फॉर्म कर देगी।
तीसरा प्रिंसिपल उन्होंने दिया पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब ये होता है कि जब गैमेट बनते हैं और मेरे पास इस तरह की एलील कंसिस्ट करने वाला पेरेंट है, तो गैमेट बनेंगे तो गैमेट में यही चांस होंगे कि एक ही एलील आएगी। अगर यहाँ पे हेटरोजाइगस कंडीशन भी होती तो यही चांस होते, या तो कैपिटल टी आ सकता था या स्मॉल टी आ सकता था। तो एलील सेग्रीगेट हो जाती हैं जब गैमेट फॉर्म होते हैं, ये पोस्टुलेट मेंडल ने यहाँ पे दिए। अब बात करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो कि है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस ये स्टेट करता है जब पेरेंट्स प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के क्रॉस करवाए जाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने देखा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये प्योर हमारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड को कंसिस्ट करने वाले पेरेंट्स थे। ये भी प्योर था क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन में था, ये भी प्योर था, बट कॉन्ट्रास्टिंग कैसे, ये टोलनेस था, ये ड्वार्फनेस के कोज कर रहा था, तो दोनों कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थी बट प्योर पेरेंट्स थे, ठीक है। ओनली वेन फॉर्म ऑफ ट्रेड अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन में ही अपीयर होगी वो ट्रेड, द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग विल एग्जिबिट ओनली द डोमिनेंट ट्रेड। हमने देखा था F1 प्रोजेनी में कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आता है, जिसमें सिर्फ डोमिनेंट एलील अपना एक्सप्रेशन शो करके टोल प्लांट फॉर्म करती है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही बताता है कि अगर हमारी हेटरोजाइगस कंडीशन होगी तो उसमें हमारी डोमिनेंट एलील ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगी, रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शन हैं, एक्सेप्शन मतलब जैसे मैंने बोला था कि मेंडल ने कुछ लॉ दिए हैं बट वो लॉ यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल होने का मतलब ये है कि सारे प्लांट सारी स्पीसीज उन लॉज को फॉलो नहीं करती हैं, तो इसके कुछ क्या है, एक्सेप्शन है, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या फिर हम बोल सकते हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ये किसने दी थी, कोरेंस ने दी थी, किस में क्रॉस करवा के देखा था उन्होंने, मिराबिलिस जलापा में, 4 o'clock प्लांट इसको बोलते हैं। और दूसरा है कोडोमिनेंस, जो हमारे ब्लड ग्रुप में भी देखने को मिलती है। लेट्स स्टडी दीज इनकम्प्लीट डोमिनेंस को स्टडी करते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी एलील डोमिनेंट नहीं होती या कोई भी एलील रिसेसिव नहीं होती, दोनों एलील इक्वल कंट्रीब्यूट करती हैं फिनोटाइप को जनरेट करने के लिए। मतलब कि कोई भी करेक्टर को शो करने के लिए मोर्फोलॉजिकली दोनों एलील का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। वेन एन ऑर्गेनिज्म इज हेटरोजाइगस फोरेटेड, इट विल शो ए थर्ड फिनोटाइप। अगर वो हेटरोजाइगस है तो वो दोनों एलील में से किसी को भी एक्सप्रेस नहीं करवाएगा, बल्कि दोनों एलील मिलके ब्लेंड हो जाएंगी और एक अलग ही तरह का फिनोटाइप जनरेट करेंगी। जो थर्ड फिनोटाइप होगा वो दोनों एलील का ब्लेंड करने से होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास रेड प्लांट है और एक वाइट फ्लावर है, सॉरी रेड फ्लावर है और वाइट फ्लावर है। पेरेंटल जनरेशन में हमने देखा कि रेड कोज किया जा रहा है CRCR एलील के थ्रू, वाइट कोज किया जा रहा है CWCW एलील के थ्रू। तो गैमेट में क्या बनेगा, इसके गैमेट, ये प्योर रेड प्लांट है, ये प्योर वाइट प्लांट है, दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है। अब इससे CR आ गया, इससे CW आ गया, दोनों क्रॉस करें, हेटरोजाइगस कंडीशन होगी, CRCW जीनोटाइप आ गया और हमारे पास दोनों ही एलील जो रेड को क्रॉस कर रही थी वो वाइट को क्रॉस करने वाली एलील के साथ ब्लेंड होगी और ना रेड फ्लावर बना ना वाइट बना, क्या बन गया, पिंक फ्लावर बन गया। हेटरोजाइगस कंडीशन में दोनों ब्लेंडिंग में फॉर्म हो गई। अब जब इसी के साथ सेल्फ फर्टिलाइज करवाया गया तो F2 जनरेशन में हमारे पास क्या आता है, CRCW दो गैमेट में, ठीक है, CRCW, CR को CR से क्रॉस करवाते हैं तो CRCR होमोजाइगस में आ गया, CRCW, तो दो प्योर फ्लावर बनते हैं, एक प्योर रेड एक प्योर वाइट, और दो हमारे हेटरोजाइगस कंडीशन में बनते हैं। को डोमिनेंस का मतलब होता है दो एलील हैं जो दोनों डोमिनेंट है, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं होगी, दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगी सेम टाइम पे। कोई भी एलील यहाँ पे डोमिनेंट होगी नहीं होगी, ना ही रिसेसिव होगी, ना ही यहाँ पे ब्लेंडिंग शो होती है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कोडोमिनेंस, जब हमारी यहाँ पे रोहान आती है, मतलब कैटल्स आती हैं, रोहान कैटल्स कब आती हैं, जब हमारे पास रेड काउ होमोजाइगस प्योर कंडीशन में, वाइट काउ होमोजाइगस प्योर कंडीशन में, दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉस करती हैं तो एक काउ वो प्रोड्यूस करती हैं जिसमें रेड, उसमें कहीं कहीं पे स्पॉट्स होते हैं और जो बेस होता है वो वाइट होता है। तो यहाँ पे दोनों एलील अपने आप को
क्या कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है, और रोआन कोट फॉर्म कर रही है। तो रोआन कोट एक मिक्सचर होता है रेड हेयर्स का और वाइट हेयर का, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही एलील ब्लेंड भी नहीं हुई और दोनों अपने आप को एक्सप्रेस भी कर रही है, कोई रिसेसिव भी नहीं है, कोई डोमिनेंट भी नहीं है। तो ये कोडोमिनेंट का एग्जांपल, कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एलील है आई ए आई ए, तो दोनों ए को कोज कर रही है, आई ए और स्मॉल आई है, तो ये रिसेसिव है तो नहीं एक्सप्रेस हो रही। बट यहाँ पे केस देखें, इस वाले केस में जब हमारे पास आई ए है और आई बी है तो दोनों ही एक्सप्रेस होके ए बी ब्लड ग्रुप दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ए एलील और बी एलील को डोमिनेंस शो करती है ब्लड ग्रुप के केस में, और यहाँ पे हमारा रेड और वाइट दोनों ही को डोमिनेंस शो करके रोआन कोट कोज करती है कैटल्स के केस में। क्रॉस, जब मेंडल ने यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस किया तो उन्होंने दो पेयर को यहाँ पे, दो करेक्टर्स को डील किया। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं येलो एंड राउंड, येलो तो कलर हो गया सीड का, राउंड उसकी शेप हो गई। तो कलर एंड शेप दो करेक्टर यहाँ पे लिए उन्होंने, प्योर ट्रेट ली। मेल में यहाँ पे डोमिनेंट प्योर येलो एंड राउंड है, यहाँ पे फीमेल में प्योर हमारे पास क्या है, ग्रीन एंड रिंकल्ड है। तो यहाँ पे वाई कैपिटल जो है वो डोमिनेंट है येलो कलर के लिए, स्मॉल कैपिटल ग्रीन के लिए है रिसेसिव, कैपिटल आर राउंडनेस के लिए है डोमिनेंट, एंड स्मॉल आर जो है वो रिसेसिव है और वो रिंकल्ड के लिए है। तो जब यहाँ पे गैमेट बनते हैं तो गैमेट में क्या होता है, या तो कैपिटल वाई आएगा या फिर हमारा कैपिटल वाई आएगा, क्योंकि दोनों क्या प्योर है, तो कैपिटल वाई, और दूसरा कौन सा करेक्टर आ सकता है, कैपिटल आर कैपिटल आर। तो यहाँ पे भी स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर, स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर, ये गैमेट बन गए। अब ये गैमेट इसके साथ फ्यूज करेगा तो एक हेटरोजाइगस कंडीशन देगा F1 प्रोजेनी में, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, पर यहाँ पे एक्सप्रेस क्या होगा, जो डोमिनेंट करेक्टर शो कर रहा है। तो कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई में से देखें तो कैपिटल वाई एक्सप्रेस होगा जो कि येलो कलर दे देगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर में से देखें तो हमारा डोमिनेंट क्या है, कैपिटल आर है, तो वो एक्सप्रेस होगा और राउंड शीड दे देगा। तो जो हमारी F1 प्रोजेनी आएगी उसमें जितनी भी प्रोजेनी होगी वो राउंड एंड येलो सीड को फॉर्म करेंगी। अब जब इसके गैमेट फॉर्म होंगे तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो कैपिटल वाई आएगा या स्मॉल वाई आएगा, यही है पॉसिबिलिटी। अब पर यहाँ पे दूसरा भी जीन है जो इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, अब कैपिटल वाई के साथ या तो कैपिटल आर आ सकता है या कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अब स्मॉल वाई के साथ या तो कैपिटल आर आ सकता है या स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर आ सकता है, ये चार पॉसिबिलिटी होंगी किसमें, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। तो चार तरह के गैमेट बन जाएंगे जब इन्हीं को हम चार सेम टाइप के गैमेट के साथ सेल्फिंग करवाएंगे, मतलब F1 प्रोजेनी को हेटरोजाइगस प्रोजेनी को हेटरोजाइगस प्रोजेनी के साथ ही क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन आते हैं। कैपिटल वाई स्मॉल आर, देखो इसको इससे क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, इस तरह से इसको, इस तरह से इसको पहले इससे क्रॉस करवाओ, फिर इससे करवाओ, फिर इससे करवाओ, फिर इससे कराओ, इसको फिर इससे, 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 इस तरह से क्रॉस करवा के जो भी आता जाता है उसको लिखो, और जितने सेम टाइप के हमारे पास फिनोटाइप आते हैं उसको एक साइड लिख दो। तो इसमें हमारे पास वन, हमारे पास क्या आता है 9:3:3:1 हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, फिनोटिपिक रेशो आता है, ठीक है, फिनोटिपिक रेशो आता है 9:3:3:1 9:3:1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 9 हमारे पास येलो एंड राउंड फिनोटाइप आए, जीनोटाइप अलग है, ठीक है, बट वहाँ पे जो करेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है उसके बेसिस पे हमारे पास मोर्फोलॉजिकल करेक्टर नो आए, ऐसे नो करेक्टर आए जिसमें येलो एंड राउंड सीड फॉर्म हुए। फिर देखते हैं हम येलो एंड रिंकल्ड, 1, 2, 3 हमारे पास येलो एंड रिंकल्ड हैं, ग्रीन एंड राउंड 1, 2, 3 हमारे पास ग्रीन एंड राउंड है और 1 हमारे पास ग्रीन रिंकल्ड है। तो इस तरह से 9:3:3:1 हमारा क्या आता है, फिनोटिपिक रेशो आता है किसमें, डाईहाइब्रिड क्रॉस में। अब डाईहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स एक्सप्लेन करते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेकेंड लॉ ऑफ है इनहेरिटेंस का जो मेंडल ने दिया था। इसमें मेंडल ने दिया बोला था कि सेग्रीगेशन है वो एक्सप्लेन करता है कि जो पेयर है एलील्स का, जैसे यहाँ पे पेयर था एलील्स का कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई था,
तो ये एलील्स थी, इनका जो पेयर है वो सेग्रीगेट हो जाएगा एक दूसरे से मियोसिस के टाइम पे। मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैपिटल आर एंड हमारे पास कैपिटल वाई है, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई है, यहाँ पे स्मॉल वाई एंड कैपिटल वाई है, एंड हमारे पास क्या है यहाँ पे कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई है। तो ये चार कॉम्बिनेशन कब आए? जब मियोसिस हुआ, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट हुई किसकी? एलील्स की। इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट का मतलब है एक एलील की अशॉर्टमेंट किसमें? गैमेट में दूसरी एलील के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे एलील का जो सेग्रीगेशन होगा वो इंडिपेंडेंटली होगा यहाँ पे। तो यही हमें बताता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। मेंडल का थर्ड लॉ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है, जो स्टेट करता है कि एलील्स हैं, दो से ज़्यादा डिफरेंट जीन की एलील्स हैं तो वो गैमेट्स में इंडिपेंडेंटली जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती। जैसे कैपिटल वाई का जाना किसी भी गैमेट पे इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उस गैमेट में कैपिटल आर प्रेजेंट है या स्मॉल आर प्रेजेंट है। कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ भी एग्जिस्ट कर सकता है और कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी एग्जिस्ट कर सकता है, यही मेंडल बताता है थ्रू इट्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। इज इट अगेन, सेग्रीगेशन में क्या होता है? जो पेयर है एलील्स की वो गैमेट्स में सेग्रीगेट हो जाएंगी और हर एक गैमेट में एक एक एलील हर एक जीन की आ जाएगी, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट आता है। इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट का मतलब है कि जो पेयर ऑफ एलील्स हैं जो गैमेट में आएंगी, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट होंगी, मतलब एक एलील का आना दूसरी एलील के आने पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कि जो डोमिनेंट एलील है वो मास्क कर देगी किसके इफेक्ट को? रिसेसिव एलील के इफेक्ट को, मतलब डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगी हेटरोजाइगस कंडीशन में। अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेट्स। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वन करेक्टर को डील करते हैं, डाईहाइब्रिड में दो को, ट्राईहाइब्रिड में तीन को। अब यहाँ पे टाइप ऑफ गैमेट्स जब हम निकालते हैं तो 2n करते हैं, ठीक है। तो इसमें हेटरोजाइगस हमारे कितने हैं? 1 है तो 1 power, 2 है तो 2, 3 है तो 3 power, 2 करेक्टर्स है तो सॉरी यहाँ पे करेक्टर को डील करेंगे। टाइप्स ऑफ mn क्या है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? नंबर ऑफ हमारे, जैसे यहाँ पे 1 character था तो 2 power 1, यहाँ पे 2 character 2 power 2, यहाँ पे 3 character हैं 2 की power 3। नंबर ऑफ जाइगोट्स एंड नंबर ऑफ गैमेट्स, यहाँ पे हमें पता है नंबर ऑफ गैमेट्स 2 बन रहे हैं तो हमारे क्या होंगी? 2 की power 2 होगी। यहाँ पे हमारे क्या बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं तो 4 की power 2 होगी। यहाँ पे 8 बन रहे तो 8 की power 2 होगी। गैमेट की पावर 2 करनी है हमें, उससे हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितने निकलेंगे। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमारे 4 ऑफस्प्रिंग बनते हैं क्योंकि गैमेट 2 बन रहे हैं। यहाँ पे हमारे 4 गैमेट बन रहे हैं तो 4 की power 2 करेंगे, मतलब कि 16 नंबर ऑफ हमारे क्या बनेंगे? ऑफस्प्रिंग्स। 8 हमारे यहाँ पे क्या है? गैमेट्स हैं तो 8 गैमेट से हमारे 64 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। नंबर ऑफ फिनोटाइप 2 की power n। नंबर ऑफ हेटरोटाइप कितने हैं, या हम बोल सकते हैं कि हाइब्रिड्स 2 की power 1, 2, 2 की power 2, 2 की power 3। नंबर ऑफ जीनोटाइप, जीनोटाइप में हम क्या करते हैं? 3 की power लेके चलते हैं। तो इसमें 3 की power 1 3 हो जाएगा, 3 की power 2 9, 3 की power 3 27। फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आता है, इसमें जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आता है। तो इसमें 3:1 की power 2 हो जाएगी, इसमें 1:2:1 की power 2 हो जाएगी, जो मैंने बताया था कि जीनोटिपिक रेशियो हम कैसे निकालते हैं, फिनोटिपिक रेशियो कैसे निकालते हैं। उससे यहाँ पे हमारा फिनोटिपिक रेशियो आ जाएगा 9:3:3:1, यहाँ पे आ जाएगा 2:4:2:1:2:1:2:1:2:1, यहाँ पे 3:1 की power 3, ठीक है, और यहाँ पे 1:2:1 की power 3। उसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो।